चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर वन शुरू करते हैं बेटा। रिसिप्ट रुपीज, पेमेंट रुपीज। बेटा इस चैप्टर का पता है सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये फॉर्मेट टू फॉर्मेट ही जाएगा, एक भी चीज है ना ऊपर नीचे नहीं होगी, जैसा फॉर्मेट है अपने को वैसे वैसे जाना है और हर चीज अपन को दी हुई होगी। सब शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। जागृति लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31/3/2020, 31 मार्च 2020 पे उन्होंने अपने आप को वॉलंटरी कर दिया। वॉलंटरी मतलब उन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट के सामने कि हम लोग अपने आप को लिक्विडेट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। व्हेन द फॉलोइंग बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर्ड, हमको उनकी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द बैंक हैज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट्स एट बुक वैल्यू एंड सरप्लस अमाउंट ऑफ 20,000 वॉज रिटर्न्ड टू द लिक्विडेटर। इन्होंने क्या किया था, अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक के पास गिरवी रखा था, बैंक ने क्या किया उनकी इन्वेस्टमेंट बेची। हम लोग बेटा जब कोई चीज को गिरवी रख के लोन लेते हैं ना वो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाता है। बैंक ने क्या किया हमारी इन्वेस्टमेंट बेची, अपना पैसा रखा, ऊपर का जो 20,000 बनता है वो उन्होंने हमको वापस कर दिया। अदर असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, बाकी असेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है। लिक्विडेशन एक्सपेंस 15,000, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन एट 5% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम। डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 39/2020, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरर्स फॉर द लास्ट 2 इयर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा। अब मुझे बताओ रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या आता है बेटा? टू कैश एंड बैंक बैलेंस, टू कैश एंड बैंक बैलेंस। अब बेटा ऊपर आप लोग देखो तो कैश एंड बैंक बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है, 9100 का कैश बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, नाउ कैश बैलेंस के बाद फॉर्मेट चेक करो बेटा। तो फॉर्मेट में कैश बैलेंस के बाद नेक्स्ट क्या लिखवाया हुआ है? असेट्स रियलाइज्ड। यस, टू असेट्स रियलाइज्ड। बेटा सब लोग बोलेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। अब असेट्स रियलाइज्ड में हमको देखो बेटा एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, बिल्डिंग 3,00,000, सब कुछ दिया होगा बेटा, हमको खाली फॉर्मेट के हिसाब से प्लॉटिंग करना है। फर्नीचर का 2,000 आया, फिर मशीन का 3,00,000 रुपया आया, फिर उसके बाद स्टॉक का 2,60,000 रुपया आया एंड लास्ट में डेटर्स का 20,000 रुपीज आया। टोटल करो बेटा 8,82,000। अब फॉर्मेट में क्या आता है बेटा? अब फॉर्मेट में क्या आता है बेटा? एक्सेस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, या जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब हमने बेटा इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के बैंक से पैसा लिया था, बैंक ने इन्वेस्टमेंट को बेचा, अपने पैसे अपने पास रखे और ऊपर के 20,000 हमको भिजवा दिए, जो एडजस्टमेंट कह रहा है। एडजस्टमेंट कह रहा है द बैंक हैज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू एंड सरप्लस अमाउंट ऑफ 20,000 वाज द रिटर्न्ड टू द लिक्विडेटर। उन्होंने 20,000 रुपीस हमको वापस कर दिए। बेटा यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है स्टूडेंट्स। बढ़ू आगे स्टूडेंट्स? यस सर। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? फॉर्मेट याद करो, कॉल्स। यस, टू कॉल्स बेटा। अब कॉल्स मतलब क्या, आपको ऊपर इक्विटी शेयर्स दिए बेटा, 100 रुपए का फुली पेड, मतलब कुछ भी पैसा बाकी नहीं है, तो कॉल्स वाला कुछ भी आएगा नहीं। अब हम लोग रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे बेटा, देखो कितना अमाउंट आ रहा है बेटा, चलो रिसिप्ट क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। सर अब पेमेंट में सबसे पहले क्या आता है बेटा?
पेमेंट में फॉर्मेट में ड्यूज ऑफ वर्कर्स यस ऊपर चेक करो बेटा लायबिलिटी कहीं में लायबिलिटी में कहीं पे दिया है क्या बेटा देखो करंट लायबिलिटी में सैलरी ऑफ वर्कमैन दिया है बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्यूज ऑफ वर्कर्स जो नहीं दिया ना बेटा उसको स्किप कर देने का 18,000 चलो अब फॉर्मेट क्या कहता है बेटा फॉर्मेट में नेक्स्ट क्या आता है ड्यूज ऑफ वर्कर्स के बाद फॉर्मेट में क्या आता है बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अब देखो वैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या होता है बेटा दो कंडीशन होती है पहली कंडीशन ये होती है कि सामने वाली पार्टी हमारी असेट्स को बेचे और ऊपर का पैसा हमको दे दे जो यहाँ पे हुआ या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम असेट्स को बेच के उनको पेमेंट दे लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमारी असेट बेच के खुद का पैसा ले लिया और हमको पैसा ऊपर का वापस कर दिया है तो यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर्स हमको लिखने की जरूरत नहीं है अब सिक्योर क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा फॉर्मेट में लिक्विडेशन एक्सपेंस बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस अब बेटा चेक करो लिक्विडेशन एक्सपेंस हमको कितने दिए हुए हैं 15,000 अब बताओ बेटा फॉर्मेट में नेक्स्ट क्या आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अब उसके लिए बेटा एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू गेट रेम्यूनरेशन एट 2% ऑन असेट्स रियलाइज्ड बाय हिम अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम 5% ऑन अमाउंट अमाउंट मतलब ये दोनों को प्लस करने का बेटा 8,82,000 प्लस 20,000 जो असेट्स उन्होंने बेच के पैसा रियलाइज किया बेटा 9,02,000 अब 9,02,000 का 5% निकालो बेटा 45,100 ओके अब फॉर्मेट में क्या आता है बेटा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यस बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखो बेटा सब कुछ फॉर्मेट के हिसाब से जा रहा है अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में मैंने आपको एक लिस्ट लिखा हुआ है बेटा ज्योति वो लिस्ट पढ़ते जाओ ना बेटा एक एक करके टैक्सेस पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ्स अब ऊपर चेक करो बेटा कोई भी सरकार को टैक्सेस पे करनी बाकी है नहीं है ज्योति नेक्स्ट क्या है बेटा मैनेजर सैलरी और क्लर्क सैलरी क्लर्क या मैनेजर की सैलरी तो ऊपर देखो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क दिया हुआ है तो जब क्लर्क की सैलरी में बेटा तो तीन पॉइंट आएंगे सबसे पहले 4 मंथ सैलरी अब ऊपर हमको जो दिया है बेटा वो 3 महीने की सैलरी दी हुई है 3 महीने की 18,000 तो 4 महीने की कितनी निकालो बेटा कितनी आ रही है 24,000 उसके बाद पॉइंट नंबर बी आता है एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया है बेटा और क्वेश्चन में हमको कितनी सैलरी दी हुई है 18,000 फिर पॉइंट नंबर सी आता है 20,000 एक क्लर्क की ऐसे तीन क्लर्क है तो 60,000 इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है बेटा वो पेबल होगा दैट इज 18,000 तो यहां पे लिखेंगे क्लर्क सैलरी 18,000 बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यस सर ओके नेक्स्ट चेक करो बेटा क्लर्क सैलरी के बाद नेक्स्ट क्या है ज्योति नेक्स्ट क्या है बेटा हॉलीडे रेम्यूनरेशन ऊपर चेक करो बेटा कोई भी हॉलीडे रेम्यूनरेशन दिया हुआ है क्या लायबिलिटी में नहीं है नेक्स्ट क्या है ज्योति लिस्ट में बेटा वर्कर्स कंपेंसेशन क्लेम लायबिलिटी में कहीं पे वर्कर्स का कोई कंपेंसेशन नहीं है नेक्स्ट बेटा ग्रेच्युटी ऊपर लायबिलिटी में चेक करेंगे ग्रेच्युटी नहीं है नेक्स्ट बेटा पेंशन पेंशन भी नहीं है लायबिलिटी में नेक्स्ट बेटा पीएफ यस वो है प्रोविडेंट फंड हमको दिया हुआ है 50,000 लिस्ट पूरी हो गई बेटा ज्योति यस सर टोटल 68,000 बाहर स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है नो सर
अब क्या आता है बेटा फॉर्मेट में प्रेफरेंस या ग्रेड इसके बाद? डिबेंचर होल्डर्स बाय डिबेंचर होल्डर्स। अब डिबेंचर होल्डर में सबसे पहले लिखेंगे डिबेंचर का अमाउंट। क्वेश्चन में चेक करो बेटा डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख। फिर क्वेश्चन में चेक करो कोई इंटरेस्ट पे करना बाकी है क्या डिबेंचर का? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है 30,000। अब बेटा हमारा लिक्विडेशन हुआ है 31/3/2020, ये ध्यान देना बेटा। और आप लोग एडजस्टमेंट में चेक करो तो हम लोग डिबेंचर को पेमेंट कर रहे हैं 30/9 पे, मतलब 6 महीने के बाद। तो उनको 6 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट है, सॉरी डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख इंटू 15% इंटू 6/12। निकालो बेटा कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 15,000। ये एडिशनल इंटरेस्ट हमको चुकाना पड़ेगा 15,000 का, तो टोटल 2,45,000 बाहर। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? हाँ सर। अब डिबेंचर होल्डर्स के बाद नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स लिस्ट के हिसाब से। क्वेश्चन में चेक करो बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स हमको दिए हुए हैं 2 लाख के। फिर उसके बाद आता है बिल्स पेबल। लायबिलिटीज में चेक करो बेटा कहीं पे बिल्स पेबल दिया हुआ नहीं है। बिल्स पेबल के बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लायबिलिटी में वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ नहीं है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब अगर कुछ भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना बाकी हो तो, उनका तो कोई पेमेंट बाकी था नहीं, उल्टा उन्होंने हमको एक्स्ट्रा के 20,000 रुपीज वापस किए, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कोई पैसा बाकी नहीं है। उसके बाद आता है अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कोई पैसा बाकी हो तो। अब उसमें क्या है बेटा, जो क्लर्क की सैलरी क्वेश्चन में 18,000 दी हुई है वो हमने पूरी पेमेंट कर दी है। अगर इनकेस ऐसा होता कि क्वेश्चन में क्लर्क की सैलरी 25,000 होती और हमने यहाँ पे सपोज 20,000 पेमेंट की होती, 5,000 बाकी होती, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाती। लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्लर्क की सैलरी 18,000 है वो पूरी हम लोगों ने पे कर दी है, उनका कुछ भी पैसा बाकी नहीं है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 2 लाख रुपए लिखेंगे बाहर। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो बेटा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में पहला आता है ट्रेड क्रेडिटर्स, वो क्वेश्चन में दिए वो मैंने 2 लाख लिख दिए। उसके बाद बिल्स पेबल आता है लिस्ट में, वो नहीं है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, वो भी नहीं है लिस्ट में। उसके बाद आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कुछ भी पैसा बाकी हो तो, यहाँ पे हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कोई पैसा बाकी नहीं था क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच के अपना पैसा रख के ऊपर का 20,000 हमको वापस कर दिया था, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ भी पैसा देना बाकी नहीं है। सेम वे अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कोई भी पैसा देना बाकी होता तो क्वेश्चन में क्लर्क की सैलरी 18,000 है वो हम लोगों ने पूरी पे कर दी है। अगर ऐसा होता कि क्वेश्चन में क्लर्क की सैलरी 25,000 होती और यहाँ हमने 20,000 पे किया होता तो 5,000 पे करनी बाकी होती, वो यहाँ पे हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पे करते। कंसेप्ट ये बेटा सब लोगों को बच्चों याद है? हाँ सर। अब बढ़े आगे बेटा। अब स्टूडेंट्स yes. आगे बढ़ने से पहले हमको क्या करना है बेटा, 9,11,100 में से ये सब पैसे माइनस करने, पहले ये देखना है कि हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, तभी पता चलेगा कि सब आगे कैसे पड़ेगा। देखो सरप्लस पैसे कितने पड़े हैं अपने पास बेटा, ₹3,20,000 हमारे पास पड़े हैं। अब फॉर्मेट में आता है बेटा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये ध्यान देना बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे, सम में चेक करो तो हमको प्रेफरेंस शेयर्स को कितने रुपए देने बाकी है बेटा। सम के हिसाब से हमको प्रेफरेंस शेयर्स को देने हैं 1,00,000 रुपए।
और उसके साथ एक एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट ये कह रहा है कि प्रेफरेंसेस आर क्यूमुलेटिव एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरर फॉर द लास्ट टू इयर्स। दो साल का डिविडेंड देना बाकी है। अब 1 लाख के प्रेफरेंसेस इनटू 10% इनटू 2 साल का डिविडेंड देना बाकी है बेटा। तो 1 लाख इनटू 10% इनटू 2, देखो कितना आ रहा है बेटा, 20,000 प्लस डिविडेंड 20,000, तो टोटल 1,20,000 रुपए डिविडेंड दे देंगे बेटा। अब देखो हमारे पास 3,20,000 रुपए पड़े थे, 1,20,000 इनको दे दिया, बाकी बचे 2 लाख। लास्ट में जो भी अमाउंट बचा ना बेटा वो हम लोग इक्विटी शेयर्स को दे देंगे, जितना भी बचता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000, जो भी लास्ट में अमाउंट बचे वो हम लोग इक्विटी शेयर्स को दे देंगे। समझ गए बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? स्टूडेंट समझ गए ना सबको? कोई कंफ्यूजन सब में? सब में कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? ना सर। ओके चलो डन, कंप्लीट कर दो बेटा सम। चलो
बच्चों सब हो गया बेटा? यस सर, 5 मिनट। अनुपम बेटा खत्म करो, खत्म करो। हाँ बच्चों, कहाँ तक पहुंचे? सर डन। और किसी का बाकी है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, अब है ना बेटा, आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं। आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देनी है या ऑफलाइन एग्जाम देनी है बेटा, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर ऑनलाइन देनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कौन कौन बेटा ऑनलाइन देने की तैयारी में है? सर मैंने भर दिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है चलो, नंदन ऑनलाइन देगा बेटा। बाकी आयुषी सर अच्छा ऑनलाइन घर पे बैठ के आराम से एग्जाम देने का, लेकिन उसमें एक कंडीशन बेटा, आपके घर का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ये खास ध्यान देना है बेटा। अगर आपके घर पे नेटवर्क अच्छा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन में। नेटवर्क अच्छा नहीं है बेटा तो ऑनलाइन मत जाना, देन गो फॉर ऑफलाइन। जिनके घर पे नेट अच्छा आता है, वाईफाई मस्त काम करता है, तो फिर आप लोग ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना। अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन के अंदर है ना बेटा एमसीक्यूज आने वाले हैं। ये जो 7 तारीख से एग्जाम है ना बेटा, ये ऑफलाइन वालों की है। ऑनलाइन वालों की अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, वो जल्दी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। ऑनलाइन के अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं है, तो ऑनलाइन में भी उत्तरायण के बाद ही होगा बेटा। अपना सिलेबस कॉस्ट अकाउंट का कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग बेटा मुझे परसों तक सोच के बता दो कि आप लोग ऑनलाइन से जा रहे हैं कि ऑफलाइन से, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन से जा रहे हैं बेटा तो आप लोगों की तैयारी चेंज हो जाएगी, और अगर ऑफलाइन से जा रहे हैं तो तैयारी चेंज हो जाएगी। हमने जो अब तक तैयारी की है बेटा वो हमको दोनों में काम आएगी, लेकिन ऑनलाइन के लिए हमको शॉर्ट टर्म्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। तो इसीलिए आप लोग बेटा परसों तक सोच लो, जिसको ऑनलाइन जाना है तो फॉर्म भर दो बेटा, तो परसों हम लोग फिर आगे का प्लानिंग डिस्कशन कर सके कि हमको आगे की तैयारी किस तरीके से करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों yes, क्लियर हो गए? तो परसों तक प्लीज डिसीजन ले लो बेटा कि आप लोगों को ऑनलाइन में जाना है कि सॉरी ऑफलाइन में जाना है। अब बेटा जैसा आज मैंने सम कराया है, ऐसा कोई सम मैं आज होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, परसों एक और सम कराऊंगा फिर होमवर्क में दूंगा। अब आपको आज क्या करना है बेटा, ये वाला सम अच्छे से घर पे रिवाइज कर लेना है बेटा, एक बार देख लेना। मैं जब वीडियो भेजू तो वीडियो भी देख लेना और सम भी देख लेना, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। परसों सेम ऐसा सम एक और कराऊंगा और उसके बाद आप लोगों को मैं फिर ऐसा सम होमवर्क के लिए दूंगा। डन स्टूडेंट्स? यस सर। तो परसों मिलते हैं बेटा, बाय बाय। हाँ नम्रता पूछो ना बेटा प्लीज। तो मुझे पता चला कि ऑफलाइन में हम यूनिट 4 में से कोई भी यूनिट 2 करके जाए वो ऑप्शनल है हमको। हाँ, उसमें कैसा होगा बेटा कि क्वेश्चन, मतलब जैसे चैप्टर 1 है बेटा,
तो चैप्टर वन की ओर में चैप्टर, जैसे इसमें अपने वो चार चैप्टर है बेटा, तो चैप्टर वन की ओर में चैप्टर टू, चैप्टर थ्री की ओर में चैप्टर फोर। लेकिन ऑफलाइन में क्या रहता है, नंबर एक रिस्क रहती है बेटा, वहां पे कौन से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई कौन से टीचर्स आ रहे हैं, किसी को पॉजिटिव है नहीं है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, मतलब ये बहुत सारी चीजें कंसर्न की है बेटा अभी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेफर यही करूंगा बेटा कि अगर आपके पास फैसिलिटी है घर पे, कंप्यूटर लैपटॉप है, वाईफाई है, तो प्लीज 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 गो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। क्लियर हो स्टूडेंट्स में? ओके सर, यस सर। मतलब मैं प्रेफर यही करूंगा बेटा, देखो सेफ्टी ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में क्या बेटा कि वहां पे अब जैसे अपनी एक स्टूडेंट है बेटा जिसके भी सीए की एग्जाम हुई थी, तो वो सेंटर पे गई, एग्जाम खत्म हुई और वहां पे सेंटर पे कोई बच्चा पॉजिटिव आ गया था, अब वो भी पॉजिटिव हो गई, तो ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है बेटा। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करूंगा कि अगर आपके पास फैसिलिटीज है बेटा, देन 100% यू शुड ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा? सर यस यस सर, वाईफाई है सब कुछ, अपन लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, तो फोन में चलेगा ना? फोन में चलेगा तो सही बेटा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी फोन में, लेकिन फोन में क्या होगा बेटा, स्क्रीन छोटी होने की वजह से ना तेरे को क्वेश्चंस बराबर दिखेंगे नहीं बेटा, किसी का लैपटॉप बोरो नहीं कर सकता बेटा कुछ दिनों के लिए। हाँ वो तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ऐसा कंपलसरी है ना, क्या लैपटॉप और वो मतलब होना ही चाहिए ना? उसमें कैसा है बेटा कि तेरे को स्क्रीन छोटी दिखेगी, मोबाइल में तू करेगा ना बेटा तो स्क्रीन छोटी दिखेगी, वो तेरे लिए दिक्कत होगा बेटा, तेरे को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। कंप्यूटर लैपटॉप में तो क्या होगा, स्क्रीन बड़ी है ना, तेरे को क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा बेटा, सॉल्व फटाफट हो पाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा। ओके सर, किसी का बोर होगा लेने का तेरे को, 8-10 दिनों के लिए बोर होगा लेने का, किसी फ्रेंड का हो या अंकल आंटी के पास होगा ही होगा, किसी ने किसी के पास, समझा बेटा? यस सर। और किसी को कोई डाउट बेटा बच्चों? चलो तो परम दिवस मड़ी है, बाय बाय सर।